वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज खड़े में हम फिर से उड़ चला गाने के लोपी ऑथेंटिक बीट सिंक पर लिरिकल प्लस बीट सिंक स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी दुख से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट से की पेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट से की पेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इम्पोर्ट की हुए सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा फिर से उड़ चला ए वाला लोपी ऑथेंटिक गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों 0.021 सेकंड से 2.27 से 4.29 और 4.29 से लेकर 7.24 सेकंड तक जो हमारे पहले तीन बीट्स है उन तीन बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे 17 बीट्स है 7.24 से लेकर एंड तक उन 17 बीट्स में हम इमेजेस ऐड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको एक नंबर वाले बीटमार्क पर एक 0.021 सेकंड वाले बीटमार्क पर आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और हमें पहला लिरिक्स हमें लिखना होगा। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं। दोस्तों ये वाला हमारा पहला लिरिक्स है। पहला लिरिक्स आपको टाइप कर देने के बाद कुछ इस तरह से इसकी साइज को आपको एक लाइन में लाना है इसको, उसके बाद कलर में जाना है और कौन सा भी कलर सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले कलर को ब्लू कलर को, आप व्हाइट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोबोट रेगुलर वाले फॉन्ट पे क्लिक करना है, व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाना है और दोस्तों आज खड़े में हम विक्टोरिया इस वाले फॉन्ट को यूज़ करेंगे। दोस्तों इस फॉन्ट की डाउनलोड लिंक आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पर, ऑल मटेरियल्स से आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको फॉन्ट इंपोर्ट नहीं करना आता अलाइट मोशन एप्लीकेशन में तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको इस तरह से लिरिक्स ऐड कर देने के बाद जो हमारा 18 PT साइज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इसकी साइज को आपको इंक्रीज कर देना है करीब करीब 28 के आसपास। 28 के आसपास कर देने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और इसको अच्छी तरह से मिडल में सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद इसकी साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। साइज को इंक्रीज कर देने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि अच्छी तरह से मिडल में सेट हुआ है नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा हमारा लिरिक्स है। अगर आप तीन तीन के पेयर में भी इसको करना चाहते हैं किसी मंजर पर एक पार्ट में और उसके बाद तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसको पहले वाले बीटमार्क तक एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड कर देने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इसको तीसरे वाले बीटमार्क तक एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ पर 7.24 सेकंड तक, तो बाद में आपको बता दूंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले बीटमार्क पर आना है 2.27 और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले बीटमार्क पर जाकर फिर से एक बार एक स्प्लिट लगा दीजिए। ये करने के बाद देख सकते हैं आप हमारे तीनों लिरिक्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दो नंबर वाले लिरिक्स वाले लेयर पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको सबसे पहले इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद दोस्तों हमारा दूसरा लिरिक्स है कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, तो दोस्तों आप लिरिक्स गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आते तो।
इस तरह से ऐड कर देने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके साइज कम कर लेने हैं और इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको तीन नंबर वाले लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, इसको इरेज करके हमारा आखिरी लिरिक्स है एक गीला तो मैं खपा नहीं। तो ये हमारा हो गया तीसरा लिरिक्स। दोस्तों हमारे यहाँ पे तीनों लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, ये हमारा अच्छी पहले से ही मेडल में अच्छी तरह से सेट है। ये करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, लिरिक्स में इफेक्ट्स ऐड करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए आपको मैंने जो से कि बिग प्रीसेट प्रोवाइड किए उसको ओपन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो हमारे लेयर वाइज लिरिक्स है टेक्नोलॉजी नाम की उसके इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारे जो तीनों के तीनों लेयर है उस पर आपको ये वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, तीनों के तीनों इफेक्ट सॉरी लिरिक्स पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा प्ले करके इस तरह से हमारे इफेक्ट दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें कलर लगा देना है, कलर रेज में हमें कलर लगा देना है। इसके लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है 21 सेकंड पर आकर यानी हमारे पहले बिटमार्क पर, और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लीजिए। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। कलर एंड फिल में जाकर जो भी आपको कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमारे जहाँ तक लिरिक्स है 7.24 सेकंड तक वहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है इसी लेयर पे हमारे रेक्टेंगल शेप के इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में ह्यू शिफ्ट वाला इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा देना है 0 डिग्री उसका रख दीजिए। उसके बाद एंड में यहां पर हमारा 7.24 सेकंड पर एंड होगा वहां पर आकर एक एनिमेशन लगाकर इसको आपको इंक्रीज कर देना है। जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा कलर इसके चेंज होते रहेंगे। दोस्तों करने के बाद हमारे ऐप इसमें ऐड हो चुका है। करने के बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और इसको कॉन्ट्रास्ट में ओवरले पे सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इसमें कलर इफेक्ट ऐड हो चुका है हमारे रेज में। देखिए दोस्तों कितने कमाल के यहाँ पर हमारे लिरिक्स लग रहे हैं। दोस्तों आप कलर सॉरी फॉन्ट है हमारा जो लिरिक्स है उसमें कलर देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। मैंने व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर दिया है ताकि अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों हम फोटोज ऐड करेंगे 7.24 से लेकर एंड तक 17 फोटोज हमें ऐड करने हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम नोरा फतेह के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से इमेज को ऐड करने के बाद तीन डॉट पे क्लिक करके से फिल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों मैं सभी के सभी इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों इसके लिए अब मैंने जो आपको सेक पेपर सेट दी है उसको फिर से एक बार ओपन कर लीजिए। सेक पेपर सेट में पहले हमारे लिरिक्स वाले लेयर थे उसके इफेक्ट्स तो हमने ऑलरेडी लगा दिए है। उसके बाद तीन इमेज मिल जाएगी आपको हीरोइन की। तो दोस्तों मैं जो आपको इमेज का टाइमिंग बताऊंगा सिर्फ उन्हीं बताए हुए इमेजेस पर ही बताए हुए इफेक्ट पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आपको एक नंबर वाले हीरोइन की इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। इस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना है 10.03 सेकंड पर सबसे पहले। उसके बाद इस वाले इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है आगे 12.12 सेकंड पर, 12.12 सेकंड वाले इमेज पर भी आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 19.09 सेकंड पर जाना है, 19.09 सेकंड वाले इमेज पर भी ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 23.26 दोस्तों 19. इस वाले पे लगा देने के बाद 23.26 और उसके बाद एंड में आपको 28.13 हमारी आखिरी इमेज इस वाले इमेज पर आपको ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। पहला सिर्फ 5 इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। 5 इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमारे से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। और दोस्तों अब आपको दूसरे फोटो के हीरोइन के दूसरी फोटो है उसके इफेक्ट्स को नहीं कॉपी करना, तीसरे लास्ट वाले फोटो के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। 3 नंबर वाले इफेक्ट के इसके इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सीधा 13.17 सेकंड पर, 13.17 सेकंड वाले इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद जाना है आपको 15.18 सेकंड पर, उसके बाद 17.26, उसके बाद 21.18 और आखिरी आपको 27.01 सेकंड वाले इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये वाला इफेक्ट भी आपको 5 इमेज पर ऐड कर देना होगा। तो दोस्तों हमारे 10 इमेज पर इफेक्ट पेस्ट हो चुके हैं। अब आपको इसके इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और दोस्तों 2 नंबर वाले हमारे जो मिडल की इमेज है 2 नंबर वाले इफेक्ट उसके इफेक्ट्स को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो बची हुई हमारी 7 इमेजेस होगी दोस्तों उन बचे हुए 7 इमेजेस पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों एक और बात, हमारा जो पहला फोटो है उस फोटो पर भी आपको पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा।
आप यहाँ पर ये देखिए, ये वाला इफेक्ट होगा हमारा पहला। उस फोटो को आपको पहले फोटो पे भी ऐड कर देना है, कि टोटल 6 इमेज पर आपको पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद बची हुई 6 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। ये वाला दूसरा इफेक्ट बची हुई दो इमेज पर पेस्ट कर देने के बची हुई 6 इमेज पर पेस्ट कर देने के बाद हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके में सपोर्ट नहीं करेगा 1080 पिक्सल दोस्तों, आप लेटेस्ट वाला अलर्ट मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर नहीं होता तो दोस्तों आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।